अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर अर्की इकाई के कार्यकर्ताओं ने दारला घाट बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। भी आधा हो गया, उसकी जो कैंटीन की सुविधा थी, मेडिकल की जो फैसिलिटी थी, वो तमाम सुविधाएं वापस ले ली गई है। इसलिए ये सरकार वोट तो मांगती है किसान और मजदूर से, ये जो मोदी की सरकार है जो उद्योगपतियों से पैसा लेकर अपने करोड़ों अरबों रुपए के दफ्तर पूरे किसान सभा के कार्यकर्ता किसान सभा कार्यालय में एकत्रित हुए तथा बाद में बाजार में एक जुलूस निकाला जो कि बस स्टैंड तक पहुंचकर एक रैली में परिवर्तित हो गया। रैली को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिलाध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य रामकृष्ण शर्मा ने केंद्र सरकार के कृषि बिलों पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि सरकार सदियों पुरानी मंडी व्यवस्था तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को समाप्त करके किसानों की जमीनें अंबानी तथा अदानी के पास गिरवी रखवाना चाहती है। इस सरकार को किसानों एवं मजदूरों से केवल वोट चाहिए जबकि कानून वह केवल उद्योगपतियों के हक में बना रही है। शर्मा ने इन कानूनों को काला कानून करार दिया। सीटू नेता अमरचंद गजपति ने कहा मोदी सरकार बेखौफ तथा तानाशाह बन गई है। नौजवान नेता पंकज शर्मा एवं किसान सभा के राज्य कमेटी के सदस्य रूपचंद ठाकुर ने भी रैली को संबोधित किया। किसानों ने जनता से आह्वान किया कि दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए एकजुटता का प्रमाण दे तथा 8 दिसंबर के भारत बंद को कामयाब बनाए। यहाँ पर किसान सभा के जो ये लोग यहाँ पर इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, ये हमारे पूरे देश में अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर आज हम इस कॉल में भाग ले रहे हैं। हमारे मुख्य मुद्दे इस प्रदर्शन इस धरने के हैं कि जो हमारा किसान मजदूर पूरे देश में वर्षों से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उनके खिलाफ मोदी सरकार काले कानून आए दिन ला रही है, उसके खिलाफ जो पूरे देश के किसान अपने एकजुटता दिखाते हुए हम आज उनके समर्थन में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम मांग करते हैं कि जो सरकार ने मंडियों को खत्म करने का जो काला कानून लाया है, जो समर्थन मूल्य को खत्म करने का जो काला कानून लाया है, और जो किसानों की जमीन उद्योगपतियों को जो कौड़ी के भाव बेच रहे हैं, उनको वायदा कारोबार फ्यूचर ट्रेडिंग जैसे जो काले कानून लाकर उद्योगपतियों की जो दलाली करने के कानून आए हैं, हम चाहते हैं कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, हमारा किसान सड़कों पर रहेगा और आवश्यकता पड़ेगी तो हम दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर भी किसान के साथ सॉलिडरिटी शो करेंगे। इस बात को लेकर हम यहाँ पे करते हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए दाड़ला घाट से मनोज शर्मा के साथ शहनाज।